नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों की फरमाइश के ऊपर मैंने अपनी वेबसाइट पे एक नया सेक्शन शुरू किया है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल का। बेसिकली ये जानकारी मैं पहले यूट्यूब पे देता था, लेकिन अब से ये जानकारी मैं अपनी वेबसाइट पे दूंगा। तो जो लोग इस चैनल से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, उनको मालूम है कि एक न्यूट्रल पॉइंट होता है इंट्राडे के दौरान, जो कि स्मार्ट मनी जो होता है उसकी जो एक्टिविटी होती है शुरू के 2-3 मिनट के दौरान, उसके बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा रिलायबल होता है नॉर्मल सिनेरियो के अंदर। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये पूरी तरीके से रिलायबल होता है, रिलायबल मतलब कि ये एक आपको आइडिया दे देता है कि यहाँ पे क्या करने की कोशिश की जा रही है अगर आप अपनी कैलकुलेशन खुद करते हैं। तो जैसे कि आज मैंने ये शेयर किया, जहाँ पे हमारा न्यूट्रल पॉइंट 24245 था, मार्केट का सपोर्ट 24170 था, रेजिस्टेंस 24320 था और मार्केट ने आज बहुत ही सुंदरता के साथ इन सभी लेवल्स को रिस्पेक्ट किया। मार्केट एग्जैक्टली सपोर्ट से बाउंस हुई। यहाँ पे सुबह मार्केट जब ओपन हुई तो पहले न्यूट्रल पॉइंट को टच करके नीचे आई, फिर यहाँ सपोर्ट पे पहली बार बाउंस हुई, फिर दूसरी बार बाउंस हुई और उसके बाद न्यूट्रल पॉइंट के आसपास कंसोलिडेट हुई। तो यहाँ पे मार्केट क्लोजिंग जो है वो रेजिस्टेंस के पास हुई और रेजिस्टेंस के ऊपर हुई, तो मार्केट ने आज इसको काफ़ी अच्छे से फॉलो किया। तो हम इन सभी बातों की चर्चा आज विस्तार से इस वीडियो में करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ये न्यूट्रल पॉइंट होता क्या है। तो अगर आपने पहले न्यूट्रल पॉइंट से संबंधित वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा, लेकिन जो नए दर्शक हैं उनकी जानकारी के लिए न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है शॉर्ट में समझेंगे, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स क्या होते हैं और इनको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तीसरा ये जो न्यूट्रल पॉइंट और सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है इसके रूल्स क्या हैं, रूल्स मतलब किन रूल्स या किन बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा अगर हम मान लीजिए ये कैलकुलेशन अपने आप करते हैं। दोस्तों, चौथा ये कि ये जो जानकारी है वेबसाइट पे आप इसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं। पाँचवा, जो आप इस जो वेबसाइट के ऊपर जो भी हमारे डिस्क्लेमर वगैरह हैं उनके बारे में हम विस्तार से तो नहीं लेकिन ब्रीफली चर्चा करेंगे। और छठा, हम चर्चा करेंगे कि आपके अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है या कोई कंफ्यूजन है तो उसको कैसे दूर किया जा सकता है। तो इन सभी 6 पॉइंट्स की डिस्कशन आज के इस वीडियो में करेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए इस वीडियो का जो वेबसाइट का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में डाल दिया है, आप उस लिंक पे क्लिक करके ये पूरा वीडियो देख सकते हैं।